गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टैटिक जीके के लेक्चर में। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाओ सेशन के अंदर, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट कर देंगे। एक बार जल्दी से आ जाओ भाई, फटाफट से, और जल्दी से जितने भी स्टूडेंट आएंगे एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं। हाँ जी, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। शिवानी, संगम, आदित्य, वेरी गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे आ जाओ सेशन के अंदर। प्रिया को भी वेरी गुड आफ्टरनून है। पीयूष, वेरी गुड आफ्टरनून। लेट हम नहीं आए भाई, थोड़ा सा जो जो सामने एक दिखता नहीं है बैनर आपको देखा होगा शंखनाद, तो वो चीज थोड़ा सा आपको जाननी जरूरी है कि हाँ एक शंखनाद एक इवेंट है, तो हम तो टाइम से आए हैं, पहली वो चीज आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद हमारी क्लास का टाइम ये है, ठीक है। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, एक बार जल्दी से आ जाइए सभी स्टूडेंट्स, और सभी लोग मिलके सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आदित्य वेरी गुड आफ्टरनून, सचिन वेरी गुड आफ्टरनून, राम प्रकाश वेरी गुड आफ्टरनून, विक्रम, चलो भाई सारी चीजें क्लियर है, भाई विक्रम मैं बता दिया सारी चीजें क्लियर है, वेरी गुड आफ्टरनून। जितेश, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून है। चोर, वेरी गुड आफ्टरनून। भाई चोर अपना नाम हो सके तो चेंज कर लो, क्योंकि चोर बोलते हुए भी नहीं अच्छा लगता है ना। चलो सभी लोग आ जाओ सेशन के अंदर, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट कर देंगे। तो सभी का वेलकम हमारे सेशन में। सेशन किस एग्जाम के लिए है, किन किन एग्जाम को टारगेट करता है, तो सभी को अच्छे से पता है कि ये सेशन जो है टारगेट करता है आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जामिनेशन को, ठीक है। किसको टारगेट करता है भाई, यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जामिनेशन को टारगेट करता है। और अब जो है अपडेट जो है बहुत नजदीक आ चुकी है, बस कुछ दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी आपको करनी है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अब लगाने का टाइम आ चुका है, वो भी अब सच में टाइम आ चुका है स्पीड में पढ़ने का, है ना। तो एक बार सभी बच्चे आ जाइए सेशन के अंदर। प्रणाम प्रिया, मुकेश, वेरी गुड आफ्टरनून, भाई सभी को वेरी गुड आफ्टरनून है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी के सामने, ठीक है। एक बार सभी बच्चे मिलकर सेशन को शेयर कर देना, ताकि सभी को पता चल जाए उनकी स्टार्टिंग जगह की क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो फटाफट से आओ सेशन के अंदर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, इसको पढ़ के आप सभी लोग मुझे जल्दी से आंसर बताएगा सही जवाब क्या है। प्रणाम, सभी को प्रणाम है। देखो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है ढिमशा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन आपके फोक डांसेस से रिलेटेड है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर ये कर्नाटका से जो है रिलेटेड हो जाएगा। फटाफट से बताना जल्दी से सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई ढिमशा, क्या पूछ रहा है, ढिमशा, ढिमशा क्या है, ये एक लोक नृत्य है, ठीक है, क्या है, ये एक लोक नृत्य है, जो कि कहाँ पर किया जाता है स्टूडेंट, ये किया जाता है आपके आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर किया जाता है, आंध्र प्रदेश में किया जाता है, और किस जनजाति के द्वारा, तो कोरजा जनजाति, याद रखिएगा किस जनजाति के द्वारा, तो मैडम कोरजा जनजाति के द्वारा किया जाता है, और कोरजा जनजाति में कौन करती है, महिलाएं करती हैं, कौन करती हैं भाई, महिलाएं करती हैं। तो आंसर हो गया आपके सामने बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देख लीजिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ढिमशा जो आपका लोक नृत्य है ये कहाँ पर किया जाता है, किस राज्य में, तो ये किया जाता है आपके आंध्र प्रदेश में किया जाता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है दोस्तों अमरावती, ठीक है, अमरावती वर्तमान में राजधानी है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आपका, ठीक है, याद रखिएगा भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से आप लोग याद रखिएगा, इसको एग बाउल ऑफ एशिया बोला जाता है, क्या बोलते हैं भाई, एग बाउल ऑफ एशिया इसको बोला जाता है, और यहीं पर इसकी खदानों में क्या मिला था, कोहिनूर हीरा मिला था आंध्र प्रदेश में, तो इसको कोहिनूर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्या बोलते भाई साहब, इसको कोहिनूर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब हो गया बी, शानदार, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले पे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन ये रहा है, इसको पढ़ के आप सभी लोग जल्दी से आंसर करिए भाई, सेशन को शेयर कर दो जितने भी अभी तक, और कोई बात मत करिए, जितने बच्चे हैं जो लोग बात कर रहे हैं प्लीज बात मत करिए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे और अपने सेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सेशन आपका दोपहर वाला 12 बजे का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है, जिसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, और मिस करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या है लॉस हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि आपका लॉस हो, क्योंकि आपका एग्जाम जो है सर पर आ चुका है, तो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके 10 नंबर की पूछी जाएगी, है ना, तो इसमें तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। क्वेश्चन आपके सामने है, पैसेज टू इंडिया पुस्तक जो है किसने लिखी थी, पहला ऑप्शन है अनीता देसाई, खुशवंत सिंह, मार्क ट्वेन, या फिर ईएम पोस्टर के द्वारा पैसेज टू इंडिया यहाँ पर लिखा गया, एक बार जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में आंसर, हां जी बताओ भाई जल्दी से, हाँ बिल्कुल सभी लोग शांति से इसका आंसर करिए, सही जवाब आपके सामने, यहाँ पर क्या होने वाला है, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। और हु रोट द बुक
यहाँ पर लिख लो आ, ठीक है। आ पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया, तो एक बार जल्दी से आंसर बताएगा, अनीता देसाई, खुशवंत सिंह, मार्क ट्वेन या फिर ई एम पोस्टर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, बताइए भाई जल्दी से क्वेश्चन का सही जवाब आपके सामने क्या हो जाएगा। अगर देखो दो तरीके से पुस्तक होती है, एक अगर आपसे पूछे पैसेज टू इंडिया, ठीक है, अगर आपसे पूछे सिर्फ पैसेज टू इंडिया, तो आपका आंसर होगा ये लिखा गया था वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा, ठीक है, वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा जो है लिखा गया था। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे आ पैसेज टू इंडिया, क्या पूछा भाई, आ पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है आपके ई एम पोस्टर के द्वारा। सेम नाम है, बस सामने आर्टिकल का यूज कर दिया गया, यानी ए का यूज कर दिया गया, जिस वजह से राइटर चेंज हो गया। तो आप एग्जाम में जब भी एग्जाम देने बैठे, आंसर लगाने बैठे, तो ध्यान से इस चीज को पढ़ के चलिए, क्योंकि छोटी सी गलती आपका एक नंबर कटवा सकती है। तो आ पैसेज टू इंडिया, ये क्वेश्चन में आ पैसेज टू इंडिया है, आ पैसेज टू इंडिया के लेखक है ई एम पोस्टर, अगर पैसेज टू इंडिया लिखा होता तो वर्ड हिटमैन हो जाते। क्लियर हो गया भाई, शानदार, बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन बताओ, और ये क्वेश्चन रिलेटेड है आपके स्पोर्ट्स यानी खेल जगत से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है, खेल जगत का स्टैटिक जीके, बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, कि 400 मीटर दूरी की भारतीय धावक प्राची चौधरी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, या फिर आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है, एक बार जल्दी से बताना, और सभी लोग मिलकर, आप सभी लोग यहाँ पर सेशन को शेयर कर दीजिए, है ना, जिसने भी शेयर नहीं किया आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा सही जवाब। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, प्राची चौधरी की, किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब, प्राची चौधरी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिन्होंने 400 मीटर की दूरी जो है तय करी थी, और ये एक धावक है, धावक को बोलते हैं स्प्रिंटर, क्या बोलते हैं भाई, स्प्रिंटर बोलते हैं। ये कहाँ की रहने वाली है, तो याद रखेगा ये मेरठ की रहने वाली है, कहाँ की रहने वाली है दोस्तों, ये मेरठ की रहने वाली हो जाती है, और याद रखेगा मेरठ कहाँ पर आता है दोस्तों, तो ये आ जाता है आपके उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर आता है, ये आता है आपके उत्तर प्रदेश में। आंसर हो गया सभी के सामने ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए क्या हो जाता है क्वेश्चन का, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का, बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आंसर लेना, हु वॉन द फर्स्ट T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, यानी कि पहला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है किसके द्वारा लिखा गया, सॉरी किसके द्वारा ये जीता गया, आंसर बताना, वेस्ट इंडीज है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, या फिर न्यूजीलैंड के द्वारा जो है यह आपका जीता गया था, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के आप सभी लोग बताएगा यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, है ना, जो हु वॉन द फर्स्ट T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो यहाँ किसके द्वारा आपका जीता गया था, एक बार बताएगा सही जवाब, ये किनके बीच में लड़ा खेला गया था, सॉरी, तो ये भारत, ठीक है, याद रखेगा भारत और कौन कौन सी टीम थी, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम थी, ठीक है, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम थी, जिसमें जीतने वाला कौन हो जाता है, ये वही मैच था जिसके कप्तान कौन बने थे, जिसके कप्तान थे आपके MS धोनी, ठीक है, MS धोनी उस टाइम इस क्रिकेट वर्ल्ड कप के आपके कप्तान थे, और जीता था इंडिया, ठीक है, हमारा प्यारा भारत जीता था, ऑप्शन सही है बी वाला, ठीक है, बी वाला हो जाएगा राइट आंसर, बहुत बढ़िया, क्लियर है चीजें, बहुत बड़े, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही, एकदम सही जवाब है आप सभी के सामने, और ये लड़ा गया था, सॉरी ये खेला गया था आपका, बताएगा ये इस खेल को कब जो है खेला गया था। अगले क्वेश्चन में बढ़े, नेक्स्ट आपके सामने ये है, एक बार पढ़ के सभी बच्चे इसका मुझे आंसर दीजिएगा, कि नवंबर 2020 में मध्य प्रदेश के डैश राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को संरक्षित जैव मंडल यानी यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, बताना किसको घोषित किया गया था, मंडला प्लांट फॉसिल्स को, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान को क्या घोषित किया गया, एक यूनेस्को रिजर्व जो है बना दिया गया, घोषित कर दिया गया, तो आंसर मुझे देना, सही जवाब आपके सामने क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, फटाफट से बताओ भाई, मिलके सभी बच्चे यहाँ पर सेशन को शेयर कर देना, जिसने भी अभी तक शेयर नहीं किया है। तो अगर हम बात कर रहे हैं नवंबर 2020 की, लिखते हुए चलो भाई, किसकी बात कर रहे हैं, नवंबर 2020 की बात कर रहे हैं, और क्या बनाया गया है आपके MP में, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, ठीक है, लिख देना सबसे ज्यादा नेशनल पार्क
सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपके सबसे ज्यादा जो है कहाँ पर आते हैं, तो मध्य प्रदेश में आते हैं। किसको यहाँ पर बनाया गया बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व जो है यहाँ किसको जो है बनाया गया था साल 2020 में, तो बताइएगा यहाँ पर सही जवाब आपके सामने क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, फटाफट से आंसर दो। यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी यानी पन्ना हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन में बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा इसका, बताओ विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को क्या कहा जाता है। आंसर दीजिएगा, विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए जो साधन इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बेडीमीटर, क्रायोमीटर, एरोमीटर या फिर साइमोमीटर कहते हैं, बताइएगा क्या कहते हैं, या फिर साइमोमीटर कहते हैं, तो आंसर आपके सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट से लिख के बताओ क्वेश्चन का सही जवाब क्या। भाई सेशन से भागना नहीं है, भागना रहता तो आते क्यों, ये बताओ। अगर पूरे सेशन में आपको बनना ही नहीं है तो थोड़ा सा सेशन लेने का कोई फायदा नहीं है ना, तो प्लीज आप लोग सेशन में आओ तो पूरा सेशन अटेंड करिए। आंसर बताना यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। हाँ बताइए राइट आंसर, बताओ जल्दी से, 1 मिनट देना बस मुझे। जल्दी जल्दी फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप माप सकते हैं। बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, ठीक है बताओ, बेडीमीटर, क्रायोमीटर, एरोमीटर या फिर साइमोमीटर, यहाँ पर बोल रहा है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, और किस चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये रिलेटेड है आपके एयर का और सम गैसेस से रिलेटेड है, ठीक है, तो किससे रिलेटेड है, एयर और सम गैसेस की यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो किससे यहाँ पर ये किस क्या हो जाएगा, तो एरोमीटर सही जवाब है, ठीक है, क्या हो जाएगा, एरोमीटर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिलेटेड है आपके एयर से, स्पेसिफिक ग्रेविटी और एयर और सम गैसेस की अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो एरोमीटर। अगला क्वेश्चन ये है, एक बार जल्दी से पढ़ के सही जवाब बताना और सभी लोग एक बार सेशन को मिलकर शेयर कर दो, आंसर बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट से सही जवाब देना। हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, यानी कि भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु जो है कौन सा है, दाऊचारा, मकोम, कचंग है, बोखा है या फिर कीपुर, तो आपके सामने क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा भाई, फटाफट से बताओ। और कोई अब देखो, अब आप मुझे किसी की भी बातें इधर उधर की सुनाई दी तो प्लीज हम जो है यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा, आदित्य है जैसे बातचीत कर रहे हैं और भी कई लोग हैं, संगम प्लीज यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर, हाँ जितने भी स्टूडेंट है प्लीज यहाँ पर ध्यान दो। चलो आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, अगर सुदूर पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो किबूथू होता है और ये कहाँ पर पड़ता है, आपके अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर पड़ेगा भाई, ये पड़ता है आपके अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे पूछता है दक्षिणी बिंदु, ठीक है, अगर आपसे पूछता है दक्षिणी बिंदु और स्थल भूमि का ना पूछे, अगर भारत की स्थल भूमि का छोड़ के सिर्फ दक्षिणी बिंदु पूछता है तो आप लिखेंगे इंदिरा पॉइंट, ठीक है, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर इंदिरा पॉइंट,
लिखते हैं, अगर आपसे पूछे भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, ठीक है, क्या पूछे अगर भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो हो जाएगा इंदिरा हॉल, ठीक है, क्या हो जाता है, तो आपका इंदिरा हॉल है। आप लोग बताइए आपके भारत का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, यानी कि पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा, बताएगा इसका भी सही जवाब। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है आपकी इंडिया का वो कौन सा हो जाता है, जिसका सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना। बिल्कुल सही, डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, इसका जवाब सभी से मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। अगला देखना, किस नेता ने हमें सीआर सूत्र दिया था, बताओ किस नेता के द्वारा सीआर सूत्र दिया गया था, तो बताइए यहाँ पर आपके सामने आंसर क्या हो जाएगा, किस नेता के द्वारा बच्चों सीआर सूत्र दिया गया, सीआर दास के द्वारा, तिलक के द्वारा, सी राजगोपालचारी के द्वारा, या फिर ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया, बताओ भाई जल्दी से और मिलकर सेशन को शेयर करो, अभी तक 100 बच्चे नहीं हुए, बताओ भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाता है। तो ये जो दिया गया था 1944 में, याद रखेगा, ठीक है, 1944 में कांग्रेस और मुस्लिम लोगों के बीच समझौता कराने के लिए गया, आपका क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला जो है दिया गया था किसके, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, याद रखिएगा, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है यहाँ पे समझौता कराने से ये रिलेटेड हो जाता है, और ये दिया गया था आपके सी राजगोपालचारी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भाई जी बी कौन बता रहे हो, इतना इजी सा सवाल है, तिलक जी के द्वारा नहीं दिया गया, सी राजगोपालचारी के द्वारा यहाँ आपका दिया गया था। अगला देखो, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया है, आपसे कह रहा है किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया, तो 12वीं, 13वीं, 14वीं या फिर 11वीं शताब्दी, एक बार जल्दी से बताइए, सभी लोग लाइक और शेयर कर देना, आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ किस संत के नाम पर इसका नाम रखा गया, तो वो क्या हो जाएंगे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, याद रखिएगा उनका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है यहाँ पर सही जवाब है। और किस शताब्दी में जो है दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था, तो याद रखिएगा 13वीं शताब्दी, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही है, बहुत बढ़िया, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि भारत का पश्चिमी बिंदु कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है, 13वीं शताब्दी में आपका कुतुब मीनार जो है बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है, या फिर जैसलमेर, क्वेश्चन का सही जवाब है, फटाफट से बताओ भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने क्या है, ठीक है, राइट आंसर भाई जिसको जाना है जो है, लेकिन यहाँ पर बाय बाय लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, तो अभी अब मैं किसी का बाय बाय यहाँ पर ना देखूं, है ना, पढ़ना है तो पढ़ लो, वरना अगर नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, कोई बात नहीं है, ठीक है, हाँ बताओ यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, आंसर क्या होने वाला है कि किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, चित्तौड़गढ़ के किले को, कुंभलगढ़ के किले को, रणथंभौर को, या फिर जैसलमेर के किले को, यहाँ पर जाना जाता है, बताएगा सही जवाब क्या है, ये जो आपका गोल्डन फोर्ट है, ठीक है, अगर आपसे पूछे भाई ये जो गोल्डन फोर्ट है ये भारत के किस राज्य में पड़ेगा, तो आपको याद रखना है ये पड़ता है भारत के राजस्थान राज्य में, ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, भारत के राजस्थान राज्य में ये पड़ जाता है। और राजस्थान में अगर आपसे पूछे भाई एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन आता है कि आपका जो गोल्डन सिटी किसको बोलते हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछे आपके राजस्थान की गोल्डन सिटी किसको बोला जाता है, तो वो बोलते हैं जैसलमेर को, किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं भाई जैसलमेर को बोलते हैं, और जैसलमेर में स्थित आपका जैसलमेर का किला है उसी को बोलते हैं सोनार किला या फिर गोल्डन फोर्ट, ठीक है, इसी किले को बोलते हैं सोनार किला या फिर गोल्डन फोर्ट, यहाँ पर बोलते हैं जैसलमेर के किले को, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और ये जैसलमेर कहाँ पर आता है, ये थार मरुस्थल में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर है ये थार मरुस्थल में, आपके राजस्थान में स्थित है, राजस्थान आपके भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, याद रखना क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, वो आपका राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, यहाँ पर इसकी राजधानी है, और ये एक विश्व धरोहर स्थल भी है, और इसको हम सभी लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको आप सभी लोग याद रखेगा, क्लियर हो गया। देखो मैंने कहा है कोई बात मत करो, ठीक है, और जिसको बात करना है तो वो भी बता दो, और किसी को बात करनी है क्लास में,
हाँ बिल्कुल सही, सुभाष सही बोल रहा, गुहार मोती बिल्कुल सही है। और किसी को बात करनी है तो प्लीज अभी मैसेज कर दो, नहीं तो बीच बीच में ना डिस्टरबेंस होती है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई जिसको शांति से पढ़ना है उनका वेलकम है सेशन में, उनको हम कुछ नहीं कहते, लेकिन आप बात करते ना तो डिस्ट्रैक्शन होता है। देखो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चे के रोजगार को प्रतिबंध लगाता है? बताना यहाँ पर सही जवाब आपके सामने क्या है जल्दी से। बिल्कुल सुभाष साहब, कौन सा क्वेश्चन पूछा है? बिल्कुल गौहर मोती बोल रहे ना, बिल्कुल गौहर मोती सही है। ठीक है यहाँ पर देखो क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित, ये पहले ये मुझे बताओ ये जो क्वेश्चन है ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि नहीं? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी को दिख नहीं रहा है सही से, तो मैंने जूम कर दिया। अब बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपको कोई चीजें क्लियर ना दिखे तो आप बेझिझक बोल दिया करो मैम थोड़ा जूम कर दो, तो हम जूम कर देंगे। ठीक है बिल्कुल, इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहा करो। देखो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के काम करने पे क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है? तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे बताना भाई जल्दी से, कि कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाएगा? वो है आपका आर्टिकल नंबर 24। कौन सा है वो? है दोस्तों आपका आर्टिकल नंबर 24। क्लियर हुआ? चलो अगले क्वेश्चन में बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है आप बताओ कि निर्वाचक नामावली को सामान्यता क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएगा, क्रम सूची, चुनाव गणना, मतदाता सूची, या फिर उसे चुनाव सूची के नाम से जानते हैं। इलेक्टोरल रोल को हम सभी लोग स्टूडेंट क्या कह के पुकारते हैं, फटाफट से बताएगा यहाँ पर। ठीक है और यह किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये इलेक्टोरल जो रोल है ये तैयार किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? बहुत बढ़िया, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है यहाँ पर इसको तैयार किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है यहाँ पर इसे तैयार किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, निर्वाचक नामावली में जितने भी वोटर्स होते हैं, जितने भी लोगों को वोट देना है, उन सभी का नाम मेंशन किया जाता है। इस वजह से इसे वोटर लिस्ट यानी कि मतदाता सूची भी कहेंगे। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब है सभी स्टूडेंट्स का। अगले क्वेश्चन में बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको पढ़ के आप सभी लोग सही जवाब दीजिएगा। राइट आंसर क्या है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या था? आंसर सभी से मुझे चाहिए फटाफट से। स्कीनो इटो, महबूबा मुफ्ती, आशिया नकाश, शफीक मीना, सफी भट्ट हो जाएंगी। ठीक है किसकी बात कर रहे हैं भाई, जम्मू और कश्मीर की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है आपके यहाँ पर, जम्मू और कश्मीर की बात करी जा रही है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? ये जम्मू हो जाती है और साथ साथ श्रीनगर। ठीक है जम्मू और श्रीनगर जो है यहाँ पर इसकी राजधानी हो जाती है। ये क्या है, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा क्या है, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है आपका जम्मू कश्मीर। और कब बनाया गया, तो साल 2019 में इसको क्या बनाया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। आप लोग मुझे बताओ यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ठीक है लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर जम्मू कश्मीर के कौन है? और अगर आपसे पूछे कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हो जाते हैं, तो वो आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेगा, आर के माथुर। ठीक है आप सभी को बताना है कि जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। यहाँ पर क्या है, जम्मू और कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम था महबूबा मुफ्ती। याद रखेगा बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का, महबूबा मुफ्ती क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर हो गया सभी को, समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, एकदम राइट आंसर है सभी स्टूडेंट का। अगले क्वेश्चन में बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको पढ़ के भी सही जवाब बताना। महादेव पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर ये मध्य प्रदेश में फैली हुई है? आंसर सभी से चाहिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 पे पढ़ चुके हैं। सभी बच्चे एक बार मिलकर शेयर कर दो, आज टारगेट हमारा 250 प्लस का है। ठीक है 250 प्लस का, तो एक बार सभी बच्चे मिलकर शेयर कर दीजिए आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। बस यही चीज आप सभी को बतानी है, आंसर सभी लोग दो, जल्दी जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है। हाँ फटाफट से आंसर करिएगा, सही जवाब आपके सामने क्या हो जाता है। और एक बार मिलके सभी बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी देंगे। ठीक है सभी बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी देंगे। ये कहाँ पर आती है, तो बहुत बढ़िया, एमपी में यानी मध्य प्रदेश में आ जाएगी। अगले क्वेश्चन में बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अगर आपसे पूछिए एमपी के पहले गवर्नर कौन थे, तो बताना NH वासु, BD शर्मा, JP सिंह या फिर डॉक्टर सितारमैया। एमपी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके सामने, बताओ मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल आ जाती है जिसकी राजधानी, ठीक है भोपाल आ जाती है। और आपको याद रखना है सांची का स्तूप, ठीक है सांची का स्तूप कहाँ पर पड़ता है?
है, तो ये भी आपके मध्य प्रदेश में बढ़ जाता है। ठीक है, सही बोल रहे हैं नाम तो बताओ, मध्य प्रदेश में बढ़ जाता है। और किससे संबंधित है? तो सांची का स्तूप आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। और आपके मध्य प्रदेश में वन जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, यानी फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं और नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान भी कई ज्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। आंसर क्या होगा? डॉक्टर सितार मैया आपके यहाँ पर गवर्नर हो जाएंगे मध्य प्रदेश के। बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब हो जाता है। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो डॉक्टर सितार मैया इज द गवर्नर, वॉज द फर्स्ट गवर्नर और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? डी वाला बिल्कुल सही जवाब है, जिसको आप सभी लोग याद रखेगा। ठीक है, क्लियर है। ये स्टैटिक जीके पढ़ा रहे हैं तो स्टैटिक जीके आएगा। स्टैटिक जीके चाहे आपका एमपी का पूछे, चाहे आपका तमिलनाडु का पूछे, चाहे जम्मू कश्मीर का पूछे, वो हर किसी स्टेट के पेपर में आएगा आपका स्टैटिक जीके। ठीक है, गवर्नर्स वगैरह हर एक स्टेट के पूछे जाते, जरूरी नहीं है कि आप अगर यूपी का पेपर दे रहे हैं तो आपसे सिर्फ यूपी के ही सीएम और गवर्नर पूछेगा। आप यूपी का पेपर दे रहे हैं तो आपसे हर एक स्टेट का गवर्नर और सीएम पूछ सकता है। पहला, चाहे पहला पूछे, चाहे वर्तमान पूछे, चाहे पूरे देश का अगर प्रधानमंत्री के बारे में, यानी स्टैटिक जीके तो आता है, तो इतना तो आप कॉमन सेंस लगा के पढ़ ही सकते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका भी आंसर बताना, सभी बच्चे स्पीड के साथ मुझे आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, रेडक्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किसके साथ भारत की सीमा का सीमांकन करती है? पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ, या फिर ये नेपाल के साथ सीमांकन करेगी? बताना भाई आंसर। वेरी गुड आफ्टरनून मांशु, क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा। राइट आंसर आपके सामने क्या है? रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो ये आपके पाकिस्तान को और भारत को यह विभाजित करती है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी? एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो राजधानी क्या है। तो इस्लामाबाद क्या हो जाती है? यहाँ पर इसकी राजधानी हो जाएगी। और इसमें करेंसी क्या चलती है? तो पाकिस्तानी रुपी। ठीक है, क्या चलती है भाई? पाकिस्तानी रुपी जो है यहाँ पर चलती है करेंसी। इसकी नेशनल रिवर क्या है बताइएगा, जल्दी से बताओ। नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान क्या हो जाती है? तो इंदस रिवर, जिसको हम सभी लोग सिंधु नदी भी बोलते हैं। तो याद रखेगा, क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? बहुत बढ़िया, चले अगले भी बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताना जल्दी से, इसका भी सही जवाब दो आप लोग। यहाँ पर कहता है कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन शायद आपसे पूछा जाए। देखो, आपको पता है छोटा दिन कब होगा और बड़ी रातें कब आती है? जब आपकी ठंडी आ जाती है। तो यहाँ पर क्या सही है? 23 दिसंबर, 22 जून, 21 मार्च, या फिर 22 दिसंबर? बताना जल्दी से। बहुत बढ़िया, ए बिल्कुल राइट आंसर है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पे। ये बताना सही जवाब क्या है? आपसे कह रहा है भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है, यानी द स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशियन इज? मालदीव, ठीक है, श्रीलंका, मॉरिशस, या फिर मेडागास्कर? फटाफट से बताओ। अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा आएगा भाई? ग्रीनलैंड आएगा। ठीक है, कौन सा आता है? ग्रीनलैंड आइलैंड सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर आपसे पूछे भारतीय महासागर यानी इंडियन ओशियन में सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? बताओ भाई जल्दी से आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर है मालदीव। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 298 किलोमीटर स्क्वायर, याद रखेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है। भाई सेशन को मिलके शेयर कर दो, आज अपना टारगेट 250 प्लस का है। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आंसर चाहिए मुझे सभी से, फटाफट से। बिल्कुल सही, हिमांशु, अनिल, शिवांगी, सभी का आंसर सही है। अगला इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अब आपसे क्या कर रहा है, आपसे जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है, यानी लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सीमांध की नई राजधानी? तो कुछ लोग तो यहाँ पर चकरा जाएंगे, मैडम सीमांध कहाँ से आ गया? सीमांध तो हमने कभी सुना ही नहीं था। तो अमरावती, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा, या फिर विशाखापट्टनम? बता दीजिए सही जवाब क्या हो जाएगा। आंसर क्या है? सीमांध की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो सीमांध हम लोग किस राज्य को बोलते हैं? आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं भाई? आंध्र प्रदेश को बोलते हैं सीमांध भी। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? ए, यानी कि अमरावती। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ठीक है, आंसर क्या हो गया सभी का? बिल्कुल राइट आंसर है अमरावती। अमरावती क्या है यहाँ पर? तो आपके आंध्र प्रदेश की राजधानी है, और आंध्र प्रदेश से याद रखिएगा यहीं पर अमरावती स्तूप भी पड़ेगा। ठीक है, क्या पड़ेगा यहाँ पर? अमरावती स्तूप।
भी यहाँ पर पड़ेगा। अगर आपको सेशन में मजा आ रही है, क्वेश्चन पसंद आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो एक बार सभी बच्चे मिलके सेशन को शेयर कर देना, ठीक है। और सेशन को मिलके लाइक भी करिएगा यहाँ पर, ठीक है। जितने बच्चे सेशन को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यार अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। ये रहा 20th क्वेश्चन, इसको पढ़ के आंसर बताएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और अगर बात करें स्टैटिक जीके का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्या कह रहा है, इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो बताओ सही जवाब क्या, उड़ीसा में होगा, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, या फिर पश्चिम बंगाल में? बताइए भाई सही जवाब, है ना। रवि का फटाफट से बताओ, जितेश, हिमांशु, किंग, जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए कि इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होगा। तो आपको याद रखना है उत्तर पूर्वी भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश क्या है, आपको याद रखनी पहले चीजें। उत्तर पूर्वी भारत में जितने भी राज्य आ जाते हैं, ठीक है, जितने भी राज्य आ जाते हैं उन सभी राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। लिख लेना सभी लोग, सबसे बड़ा राज्य है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। इसकी राजधानी हो जाती है दोस्तों ईटानगर। इसका फेमस नेशनल पार्क है यहाँ पर नामदफा नेशनल पार्क। कौन सा? नामदफा नेशनल पार्क सबसे फेमस नेशनल पार्क है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो जिसको आप सभी लोग याद रखेगा। क्लियर हो गया सभी बच्चे? बहुत बढ़िया, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? बी वाला क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अगले क्वेश्चन में बढ़े। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक बार इसका आंसर बताओ। और ये क्वेश्चन आपके किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? आपके पासेस यानी कि दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आंसर देना। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है स्टूडेंट, तो आप सभी को मिलके शेयर करना है। और आज का अपना टारगेट जो मिला हुआ है वो है 250 प्लस स्टूडेंट का, तो आपको अपना टारगेट भी आज पूरा कराना है, ठीक है। चलो देखेंगे कौन जो है सपोर्ट करता है टारगेट को पूरा करने में। बुरजेल दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, सिक्किम में है, या फिर ये उत्तराखंड में है? और साथ साथ मुझे ये भी बताओ कि लिपो लेख दर्रा, ठीक है, जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, लिपो लेख दर्रा कहाँ पर आ जाता है? पालघाट दर्रा, कौन सा दर्रा भाई? पालघाट दर्रा कहाँ पर आता है भारत में? तो ये भी मुझे आप सभी लोग आंसर करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं माना दर्रा कहाँ पर आता है, कौन सा दर्रा? अगर हम पूछे माना दर्रा कहाँ पर आता है, तो आप क्या बताएंगे? एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के भर के आंसर बता दो भाई इस क्वेश्चन का। सही जवाब आप सभी के सामने क्या है, फटाफट से आंसर आना चाहिए। बुरजेल दर्रा स्थित है आपके भारत के उत्तर में, ठीक है। तो आंसर हो गया जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में बुरजेल दर्रा पड़ जाता है। लिंबू लेक दर्रा आता है दोस्तों उत्तराखंड में, कहाँ पर? उत्तराखंड में आ जाता है। पालघाट दर्रा आ जाता है आपके केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। माना दर्रा आ जाता है ये आपके उत्तराखंड में, ठीक है, याद रखिएगा उत्तराखंड में। अगर मैं आप सभी से यहाँ पर पूछूं कि नाथुला दर्रा भाई कहाँ पर आता है, तो याद रखिएगा ये पड़ेगा आपके सिक्किम में। कहाँ पर पड़ेगा? सिक्किम में पड़ेगा, यानी बी वाला सही जवाब हो गया। क्लियर? बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर चीजें हैं आप सभी के सामने भाई। क्वेश्चन पे ध्यान दो, किसी और के ऊपर गुस्सा मत निकालो, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, जल्दी से बताना यहाँ पर सही जवाब। ये तो बहुत ही ज्यादा जानदार और शानदार क्वेश्चन दोनों यहाँ पर है। आप सभी को मुझे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो नैनीताल, शिमला को, सिक्किम को, या फिर माथेरन को बोलते हैं? बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है। अनामिका बताइए भाई जल्दी से, अनामिका प्लीज मत करो, सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जितने बच्चे, अगर आपको टाइम आउट भी हुए तो आप जरूर बातें कर रहे होंगे, आप जरूर कोई मुंह बना के इमोजी के साथ अपने जो है आपने कमेंट किया होगा, तभी आप टाइम आउट हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ, जितने बच्चे सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर से रिलेटेड कमेंट करेंगे तो सिर्फ वही यहाँ पर रह सकते हैं। एक बार बताना सही जवाब। बहुत बढ़िया, क्या कहते हैं भाई? नैनीताल को कहते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, और ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपके उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। अब कुछ झीलों के स्थान के नाम बताओ, कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं चिल्का झील कहाँ पर है, एक बार क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग, पूरे इंडिया में जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्स है उनका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। चिल्का लेक कहाँ पर पड़ती है बताना, डल झील कहाँ पर पड़ती है
पड़ती है, ठीक है। बुलर झील आपकी कहाँ पर पड़ती है? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपसे पूछे लोकतक में कौन सा लोकतक झील कहाँ पर पड़ती है, तो वो आप सभी लोग बताएगा, ठीक है। कंजिया झील, कौन सा कंजिया झील कहाँ पर पड़ती है, तो वो आंसर बताओ। विक्टोरिया सागर झील, कौन सी झील विक्टोरिया सागर में कहाँ पर पड़ती है, तो उसका आंसर बताना। और एक और पूछी जाती है आपकी सांभर झील कई बार, तो सांभर झील कहाँ पर पड़ती है, एक बार इसका भी कमेंट सेक्शन में लिख के आंसर बताओ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर यहाँ पर सही आ रहा है। तो एक बार आंसर देख लीजिएगा, इसके आंसर क्या क्या है। चिल्का झील पड़ती है आपकी उड़ीसा में, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। डल झील और गुलर झील, ये दोनों पड़ती है आपकी जम्मू और कश्मीर यानी J&K में। लोकतक झील आपके उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ये पड़ती है आपकी मणिपुर में। कहाँ पर? ये पड़ती है आपकी मणिपुर में, ठीक है। सांभर झील आपके खारे पानी की झील है, और इसको हम लोग लार्जेस्ट इन लैंड सॉल्ट वाटर लेक बोलते हैं, जो कि पड़ती है आपकी राजस्थान में। कहाँ पर? ये राजस्थान में पड़ती है। कंजिया झील और विक्टोरिया सागर झील, ये दोनों पड़ती है आपकी उड़ीसा में, ये दोनों भी पड़ती है आपकी उड़ीसा में। तो इनसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जिनका हमने क्विक रिविजन कर लिया। आंसर है आपका नैनीताल। अगले क्वेश्चन बढ़े, इसका भी मुझे फटाफट से सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाता है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, एक बार जूम कर देते हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द वीनिया फॉल्स लाइव, ठीक है, डज द वीनिया फॉल्स लाइव, तो आंसर मुझे दीजिएगा। सही जवाब क्या है? वीनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा या फिर मेघालय? फटाफट से बताओ। हाँ, जल्दी से आंसर करिए भाई, इतना स्लो स्लो क्यों आंसर दे रहे हैं आप लोग? आपको एकदम स्पीड में आंसर देना चाहिए, क्योंकि अब जो है क्या करना है, अब हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल। तो मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने का, ठीक है। अभी तक आपने सेशन को 200+ नहीं पहुंचाया, बताओ, 200+ नहीं पहुंचाया, और हमारा टारगेट 250 का था, कैसे काम चलेगा? ऐसे तो काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो एक बार सेशन को मिलकर सभी लोग शेयर कर दीजिए, जितने भी बच्चे फटाफट से शेयर करिए। आंसर क्या हो जाएगा? वीनिया जलप्रपात भारत में किस राज्य में पड़ता है, एक बार सभी बच्चे मुझे आंसर दीजिएगा। कहाँ पर पड़ेगा आपका वीनिया वॉटरफॉल, ठीक है? वीनिया जलप्रपात कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तो ये पड़ता है आपके मेघालय में। कहाँ पर पड़ेगा? मेघालय में। मेघालय की राजधानी क्या होगी, एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर देना। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, आंसर क्या हो जाएगा सभी का, जल्दी से लिख के बताओ। बहुत बढ़िया, मेघालय में आपका वीनिया जलप्रपात है, और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात पूछा जाता है, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटका में, ठीक है। कहाँ पर है? कर्नाटका में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ो, 24वां क्वेश्चन, आंसर मुझे सभी से चाहिए। अभी जस्ट मैंने ये भी लिख के बताया है कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है, नैनीताल, लोकटक, कुलेरू या फिर पगोंग तसो? आंसर सभी से मुझे मिलना चाहिए, नैनीताल, लोकटक, कुलेरू या फिर पगोंग तसो, क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी होगा कि आपका सी होगा, बताओ। हाँ, जल्दी से सभी बच्चों का आंसर मुझे यहाँ पर चाहिए, ठीक है। आंसर एक बार बताओ, फटाफट से लिख के आंसर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट से बताओ, जल्दी से आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा। तो इसमें से देखो, नैनीताल की बात करें तो एक जगह भी है, लेकिन नैनीताल में एक ताल आता है जो कि क्या है, ताजे पानी की झील है। लोकटक और कोलेरू दोनों आपकी ताजे पानी की झील है, लेकिन जो पगोंग तसो है ये क्या है, ये आपके खारे पानी की झील है। कैसी झील है भाई? खारे पानी की झील है, याद रखे। और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके भारत और चीन की सीमा पर है। कहाँ पर है? भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है? भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, खेल खत्म। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन में देखो, एक बार स्पीड में आंसर बता लो। और अगर आप लोग कितने स्टूडेंट, देखो 170 स्टूडेंट है यहाँ पर, और 170 अगर एक एक को भी शेयर करेंगे ना, तो यहाँ पर 200 क्या 200 से डबल यहाँ पर लोग आ जाएंगे। तो एक बार मिल के सभी लोग यहाँ पर सेशन को शेयर करिए। विंध्य श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है, तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर ये राजस्थान में विंध्य श्रेणी नहीं आएगी, ठीक है। बताओ एक बार जल्दी से, किस में यह नहीं आती है आपकी विंध्य श्रेणी, फटाफट से बताएगा। हाँ, विंध्य श्रेणी की अगर हम बात करते हैं, तो ये विंध्य श्रेणी, विंध्य पर्वतमाला है, आपके उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। क्या करती है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का भी काम यह आपकी करती है। कहाँ पर आपकी विंध्य श्रेणी नहीं पड़ेगी, एक बार लिख के सभी बच्चे आंसर करिए। देखो, गुजरात में नहीं पड़े, ये आपका गुजरात में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ेगी, मध्य प्रदेश में नहीं पड़ेगी, या राजस्थान में नहीं पड़ेगी। एक बार सभी लोग लिख के आंसर दीजिए।
बिल्कुल, बिंद श्रेणी कहाँ पर नहीं पड़ेगी? राजस्थान। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। अगले में बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां, बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 26वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। फटाफट से स्पीड में बताओ राइट आंसर। देखो, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से नहीं लगती? तो कंबोडिया, लाओस, वियतनाम या फिर म्यांमार। लिख के बताइए इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा यहाँ पर आपके चीन के साथ नहीं लगती? तो वो है कंबोडिया। ठीक है, कौन सा है वो आपका? कंबोडिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है। कंबोडिया की नहीं लगती, बाकी म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान, भारत, लाओस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, सभी की सीमा यहाँ पर लगती है। अगले क्वेश्चन में बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा कि एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइएगा। कि सबसे बड़ा मरुस्थल, नेम द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया। थार है, गोबी है, तकला मकान है या फिर काराकोम है। ऑप्शन के हिसाब से आंसर दीजिए, और ये ध्यान रखो कि पूछा गया है एशिया का ना कि विश्व का। ठीक है, एशिया का पूछा गया है ना कि विश्व का, तो आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से फटाफट से बताओ भाई। हाँ, आंसर देना क्या हो जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, बताइए जल्दी से। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका कौन सा हो जाएगा? देखो, काराकोरम की, काराकोरम की बात करते हैं तो ये कहाँ पर पड़ता है? तुर्कमेनिस्तान में। लिख लेना ये कहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी लोकेशन भी पूछता है ये कहाँ पर आता है। तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तकला मकान और गोभी, ये दोनों कहाँ पर पड़ते हैं? आंसर दीजिएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, तकला मकान और गोभी जो है ये कहाँ पर पड़ जाता है, एक बार जल्दी से आंसर करिए। गोभी देखो ये चीन और मंगोलिया की सीमा पर, ठीक है, याद रखिएगा ये चीन और मंगोलिया की सीमा पर पड़ते हैं। सभी सारे ऑप्शंस को देखो, थार कहाँ पर पड़ता है? तो ये आता है हमारे पश्चिमी भारत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पश्चिमी भारत में स्थित है। एक बार सभी बच्चे इसका आंसर दीजिएगा, फटाफट से लिख के बता दो राइट आंसर क्या है। तकला मकान कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ेगा चीन में। तो कौन सा आपका जो है जो कि एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पर हो जाएगा, फटाफट से बताओ भाई जल्दी से, आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बताइए फटाफट से। तो आंसर है गोभी। ठीक है, ये जो गोभी मरुस्थल है ये आपके एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा। अगर आपसे सिर्फ पूछा होता सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल, अगर आपसे ये पूछा होता सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल जो है यहाँ पर कौन सा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर सहारा। ठीक है, वो कौन सा है? वो हो जाएगा आपका सहारा। क्लियर हो गया? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जिनका आंसर बी था वो बिल्कुल सही थे। अगले क्वेश्चन बढ़े, जिनका कुछ लोगों का आंसर थार था तो थार भी यहाँ पर गलत होगा। समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। बताओ 250 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, बताइए भाई जल्दी से। क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, 150 गलत है, डी वाला सही जवाब है। अगले क्वेश्चन बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, 29 का आंसर देना। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने करी? आइजैक न्यूटन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने करी है, नील बोर के द्वारा इसकी खोज करी गई या फिर माइकल फराडे के द्वारा खोज करी गई, बताइएगा। रवि कांत, प्रियंका, शिवा, बताइए भाई। रूबी आंसर करिए, अनिल जल्दी से, सभी बच्चे फटाफट से राइट आंसर दीजिएगा। किसने खोज करी? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा करी गई थी खोज। अगले भी बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो इसे क्या कहते हैं? यूनि प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर, दोहरी प्रोसेसर या फिर क्वाड कोर प्रोसेसर हम लोग कहते हैं। ठीक है, प्रोसेसर की बात करें तो जिसका जिस कंप्यूटर का प्रोसेसर जितना अच्छा होगा वो प्रोसेसर, मतलब जिस कंप्यूटर का प्रोसेसर जितना अच्छा होगा उस कंप्यूटर या फिर उस लैपटॉप की जो स्पीड होगी काम करने की वो बहुत ही ज्यादा तेज होगी। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं उनके प्रोसेसर बहुत अच्छे क्वालिटी के लगाए हुए होते हैं। आंसर मुझे देना जल्दी से, जिसके अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसर होंगे उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग मल्टी प्रोसेसर। एक से ज्यादा प्रोसेसर होंगे तो मल्टी प्रोसेसर बोलेंगे। इसका आंसर दीजिए, पाइनएप्पल आपका कैसा पौधा है? जेरोफाइट है, हाइग्रोफाइट है, मेसोफाइट पौधा है या फिर ये एक हाइड्रोफाइट पौधा हो जाएगा? ये हाइग्रो है, ये हाइड्रो है, तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन सा राइट आंसर है भाई? शेयर नहीं करना है, आज ऐसे कसम खा रखिए, मैम आज तो हम लेके जाएंगे नहीं दोस्तों।
है, तो एक बार शेयर कर देना सभी लोग जल्दी से, जितने बच्चे हैं फटाफट से शेयर कर दो। आंसर आपके सामने क्या है, अनानास एक कैसा पौधा है? तो भाई अनानास एक जेरोफाइट है, यानी कि मरुभिद पौधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, क्लियर, बिल्कुल सही ए होगा। भाई संगम आप लोग बी क्यों बता रहे हैं, हाइड्रोफाइट नहीं होगा, ये एक जेरोफाइट प्लांट है। क्या है, जेरोफाइट प्लांट हो जाएगा, क्लियर हुआ। चलो अगले पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 32 है, बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ये आपका थोड़ा सा बायो का क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की मूल संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई कौन सी है? सेरेब्रम, नेफ्रॉन, सेरिबेलम है या फिर न्यूरॉन हो जाएगी? आंसर देना, या फिर न्यूरॉन हो जाएगा, बताना भाई जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा सभी का, बिल्कुल फटाफट से आंसर क्या होने वाला है, आंसर दीजिएगा क्या है। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वो न्यूरॉन है। अगर आपसे पूछे पूरे ह्यूमन बॉडी, ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर पूछा होता पूरे ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो कौन सी हो जाती है? यहाँ पर सेल की, यानी जिसको हम लोग कोशिका कहते हैं। सेल टर्म सबसे पहले किसके द्वारा जो है प्रयुक्त किया गया? तो वो आपके रॉबर्ट हुक से, ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल टर्म सबसे पहले यूज किया गया, यानी सेल को सेल का नाम किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। अगर हम बात करें सेंट्रे और स्वान, ठीक है, सेंट्रे और स्वान के द्वारा क्या दिया गया था? तो लिविंग थ्योरी, याद रखिएगा, ठीक है, लिविंग थ्योरी जो है इनके द्वारा दी गई थी। आंसर क्या हो जाएगा आप सभी के सामने, न्यूरॉन इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, क्लियर, बहुत बढ़िया, न्यूरॉन आपके सामने बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्लियर। चलो अगले भी बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रिवर्स रिलेटेड क्वेश्चन है कि नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है? नील नदी की बात करें तो यहाँ कौन से देश में नहीं बहती है? केन्या में, मिस्र में, अल्जीरिया में या फिर ये तंजानिया में नहीं प्रवाहित होगी? बताएगा नील नदी कौन सी है? अगर मैं आपसे पूछूं पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी फर्स्ट पोजिशन में कौन सी नदी आती है? तो वो बताएगा। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये तीनों चारों चीजों का आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन में भर के लिख के बता दो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो नील नदी है ये कहां से प्रवाहित नहीं होती? ये अल्जीरिया से प्रवाहित नहीं होती है। सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? नील नदी आपकी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। दूसरी कौन सी है? अमेजन रिवर है। तीसरी है आपकी यांग नदी, ठीक है, क्या बोलते हैं? तीसरी आपकी यांग नदी रिवर है। भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है, और यांग नदी नदी से याद रखिएगा ये आपकी एशिया की भी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, ये आपकी एशिया की भी सबसे लंबी नदी है, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर क्या सही है? तो सी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो 34, एक बार इसका आंसर देना। कोलेरू झील भारत में कहाँ पर है? केरल में, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में आ जाएगी, या फिर ये आपके उत्तराखंड में स्थित है? बताएगा जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा। आंसर सभी लोग हाँ, और बिल्कुल सभी लोग शेयर कर दीजिए, जितने भी बच्चे हैं एक बार मिल के आप लोग शेयर करिए। तो आंसर क्या होगा, कोलेरू झील ये भारत में कहाँ पर आ जाती है? तो आंसर दीजिएगा कोलेरू झील, ठीक है, कोलेरू लेक कहाँ पर आती है? ये एक ताजे पानी की झील है, ठीक है, कैसी है? ताजे पानी की झील है। ये आपके दक्षिण भारत में पड़ती है, कहाँ पर? ये आपके दक्षिण भारत में पड़ती है, और दक्षिण भारत में कहाँ? तो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है। देखो जो लोग तमिलनाडु कह रहे हैं वो लोग गलत है। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट यहाँ पर है, चूलिया जलप्रपात कहाँ पर पड़ेगा? बताओ चूलिया जलप्रपात आपके भारत में कहाँ पर पड़ेगा? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात में? और ये किस नदी पर बना है? तो ये बना है आपकी चंबल नदी पर। किस नदी पर बना है भाई? ये बना है चंबल नदी पर। तो आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या है? चूलिया जलप्रपात जो की चंबल नदी पर बना है, ये पड़ता है आपके भारत के पश्चिमी हिस्से यानी कि राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, क्लियर, बिल्कुल कुलदीप का आंसर भी सही, जिनका आंसर ए है वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलो अगले भी बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 36वां, आंसर एक बार मुझे फटाफट से दो, जल्दी से सही जवाब दीजिएगा। कह रहा है शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? Who propounded the doctrine of passive resistance? बाल गंगाधर तिलक ने, अरविंद घोष के द्वारा किया गया, लाला लाजपत राय या फिर बिपिन चंद्र पाल के द्वारा किया गया? एक बार जल्दी से सभी बच्चे लिख के आंसर दीजिएगा, ये जो है ये किसके द्वारा जो है आपका किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा, तो अरविंदो घोष हो जाएगा, अरविंदो घोष ने दिया था आपका शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत, क्लियर हुआ, बिल्कुल
अगला ये क्वेश्चन तिलक, जिनका आंसर है तिलक गलत है। क्वेश्चन का सही जवाब होगा अरविंदो घोष। ठीक है, क्या हो जाएगा? अरविंदो घोष आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक बार पढ़ के इसका भी आंसर दीजिए, जल्दी से फटाफट से राइट आंसर बताओ। हु अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन सा था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द निजाम ऑफ हैदराबाद इन 1947, यानी कि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तब आपके हैदराबाद का निजाम कौन था? मीर महबूब अली खान, उस्मान अली थे, अकबर अली खान थे, या फिर नासिर जंग थे? आंसर बताइए। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। आंसर मुझे सभी से चाहिए, फटाफट से सभी बच्चे आंसर करिए, यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, और मिलके सभी लोग आंसर दीजिएगा तो वो हो जाते हैं आपके, याद रखिएगा, निजाम कौन थे? वो थे आपके उस्मान अली खान। ठीक है, कौन थे भाई? निजाम ऑफ हैदराबाद 1947 में कौन थे? वो थे आपके यहाँ पर ये उस्मान अली खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो गया, क्लियर हो गया। सी देखो, कई लोग सी बता रहे हैं, भाई सी नहीं है, अकबर अली खान जी नहीं थे, वो उस्मान अली खान जी थे। ठीक है, चलो अगले पे बढ़े, इसका आंसर देना, इसका भी सही जवाब क्या है एक बार लिख के सभी लोग आंसर बताओ फटाफट से। 38 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा संसद है? आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा संसद है? अच्छा, और भी आएंगे इंग्लिश की क्लासेस, अब तो डेली बेसिस पे शुरू होने वाली है। बताओ क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? तो वो चाइना देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन में बढ़ो, नेक्स्ट यहाँ पर 39 है, एक बार यहाँ पे सही जवाब दीजिएगा, राइट आंसर क्या है? हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? बताएगा यहाँ पर सही जवाब की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74%, 81.5%, 61%, या फिर 72%, यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, डेली क्लास का टाइम, डेली रात देखो, डेली क्लास का टाइम हमारा दोपहर 12 बजे से होता है ये वाली का, और रात में भी क्लास चलती है, तो एक रात में 10 बजे और एक सुबह दोपहर में 12 बजे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? बहुत बढ़िया, मयंक का आंसर सबसे पहले, यानी क्या हो जाएगा, 74% थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 48th क्वेश्चन है, देखेगा भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको छोड़े, बाकी बताओ यहाँ पर सही जवाब क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रीवियस के हिसाब से ही आपको यहाँ पर आंसर देना है, आंसर दीजिएगा, यानी पहले की बात कर रहे हैं, किसमें थी? आंसर देना जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से। हाँ, पूछो ऊर्जा, जो भी क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, आंसर, हाँ पहले के हिसाब से बात करें तो केरल थी। ठीक है, पहले के हिसाब से बात करें कितनी थी, केरल थी, और वर्तमान में किसकी है ये भी बताइएगा, वर्तमान में लोवेस्ट बर्थ रेट, ठीक है, ये बता बात करें, वर्तमान में जो लोवेस्ट बर्थ रेट है वह आपकी किस राज्य में आती है? तो उसका भी कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जल्दी से आंसर सभी लोग दीजिएगा, क्या केरल ही है या फिर केरल के बाद कोई और भी आ गया। अगले क्वेश्चन में देखना, 41 क्वेश्चन का आंसर दो, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल, यानी कि सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, या फिर टैक्सोनॉमी बोलेंगे? बताइए यहाँ पर सही जवाब। हाँ, फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपसे कह रहा है ये कोशिका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, कोशिका दिया हुआ है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, साइटोलॉजी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले पे बढ़े, अब ये क्वेश्चन बताओ, 42 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर मुझे सभी लोग दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? यानी जो आपकी सेल थ्योरी आई थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्योरी भी अगर हम उसको बोले चाहे, कॉमन सेंस अगर आप याद करना चाहे, तो सेल थ्योरी में क्या था, सेल थ्योरी रिलेटेड थी आपके सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस में आते हैं, वो सारे सेल थ्योरी में आते हैं, और इसमें ये भी बताया गया था कि एक सेल का निर्माण किससे होता है, दूसरे सेल से टूटकर बनता है। आंसर दीजिएगा कि कौन सा आपके कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता, तो वो नहीं आता है आपका वायरस। ठीक है, क्यों नहीं आता, क्योंकि इट इज अ कनेक्टिंग लिंक, क्या हो जाएगा, ये एक कनेक्टिंग लिंक हो जाता है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। आंसर यानी कि एक, ये एक नॉन लिविंग भी है, ठीक है,
ये आपका नॉन लिविंग भी है और लिविंग भी होता है आपका वायरस, ये दोनों के अंतर्गत आता है, तो ये आपकी सेल थ्योरी में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक से दिख नहीं रहा है तो एक बार आप लोग क्या करो, एक बार रिफ्रेश करिए, आपको दिखने लगेगा। अगले क्वेश्चन में बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन रूम का देते हैं, ये रहा, चलो रूम कर दिया। आप पढ़ के आंसर बताओ, कह रहा है चिंगारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है। ठीक है, चिंगारा की बात कर रहे हैं तो ये मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है, तो बताइएगा स्ट्रिंज है, विंड है, मेम्ब्रेन है या फिर प्लेट से बना हुआ है, कैसा ये यंत्र है, आंसर देना। ठीक है, बताओ भाई जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। भाई कोई बातें मत करो, बहुत लोग बातें करने वाले आ चुके हैं सेशन में, वो जब क्लास की टाइमिंग शुरू होगी राम प्रकाश जी तब आपको बता दिया जाएगा, आप खुद ही देख लेंगे कब होगी टाइम। ठीक है, चलो आंसर देना क्या हो जाएगा, चलो फटाफट से बताओ, अभी सेशन ओवर जस्ट 2 मिनट है हमारे पास, तो आंसर देना जल्दी से, एक बार स्पीड में करेंगे। बिल्कुल सही, स्ट्रिंज होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ो, 44th है और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, बताएगा पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है, ये हमें पता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है, बताएगा, है ना, पोंगल का जो चौथा दिन है वह क्या कहलाया जाता है, बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी। ठीक है, बताओ यहाँ पर क्या है, चौथे दिन को हम क्या बोलते हैं आपसे पूछ रहे हैं, तो बताइए चौथे दिन को बोलते हैं कानून पोंगल। ठीक है, और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, इसको आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएगा, ये आज का आपका होमवर्क ऑफ द डे है। ठीक है, क्या है भाई, होमवर्क ऑफ द डे है, तो ये बच्चे मुझे सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है या फिर किया गया था, हिंदी, मराठी, पाली या फिर ओडिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, 6 प्रकार की शास्त्रीय भाषाएं होती है, कितनी भाई, 6 प्रकार की शास्त्रीय भाषा है, कौन कौन सी है एक बार देख लेना, मलयालम है, ठीक है, ओडिया हो जाती है, मलयालम है, ओडिया है, संस्कृत है, और कौन कौन सी हो जाएगी, मलयालम है, ओडिया है, संस्कृत है, तीन है, तीन बाकी है, तीन का नाम आप लोग बता दीजिएगा। देखो तमिल है, जितनी याद आ रही है हम बता दे रहे हैं, तमिल है, ठीक है, तमिल है, एक तेलुगु है और एक कन्नड़ है, यानी टोटल 6 प्रकार की आपकी शास्त्रीय भाषा है, तो एक शास्त्रीय भाषा का नाम यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर डी, यानी ओडिया आपकी शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, क्या है, ओडिया आपकी शास्त्रीय भाषा है, ये क्या है, ये एक पुस्तक का नाम है, तो इसका आंसर बता देना, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो एक बार जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है एक बार फटाफट से आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल जो है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बोलना जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और एक चीज और याद रखिएगा कि क्लास की टाइमिंग हमारी डेली दोपहर में 12 बजे चलती है, सुबह वाली क्लास की टाइमिंग और रात वाली क्लास की टाइमिंग डेली रात को 10 बजे चलती है, तो इन दोनों क्लासेस में आ जाएगा। जिसने जिसको भी इंग्लिश पढ़नी थी, प्रीपोजिशन का एक लेक्चर लिया है तो प्रीपोजिशन का वो लेक्चर पढ़ लीजिएगा, और एक लेक्चर लिया है नाउन का, ठीक है, तो वो दोनों लेक्चर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये दोनों आपकी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। चलो फिर अब नेक्स्ट क्लास आपकी मैथ की क्लास होने वाली है, उसमें फटाफट से सभी लोग पहुंच जाए, टाइमिंग हो चुकी है 1 बजे, डेली दोपहर में एसएससी जीडी के लिए आपकी यहाँ पर क्लास चलती है। चलो फिर सेशन को यहीं पर ओवर करते हैं, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में रात के 10 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।